हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका आईसीएआर टेक्नीशियन का 5 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, तो 5 मार्च 2022 को पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो 100% रियल क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने से नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। क्वेश्चन पूछा गया था रोनाल्डो ने कितने गोल किए हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। रोनाल्डो के अब इंटरनेशनल फुटबॉल में 111 गोल हो गए हैं। उन्होंने ईरान के अली दई के रिकॉर्ड को तोड़कर इस खास मुकाम को हासिल कर लिया। अली दई ने अपने इंटरनेशनल करियर में 109 गोल किए। क्रिस्टियानो ने यूरो 2020 के दौरान ही अली दई के सबसे अधिक गोल करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। सुगर अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कितनी कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें से कुल 131 सीट 24.03% अनुसूचित जाति और 84वां अनुसूचित जनजाति, 47 जो सीटें हैं वो आरक्षित वर्ग की हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था 2011 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया जो है, इसके बारे में जान लेते हैं। 2011 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत को 187 देशों में से 134वां स्थान दिया गया है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। गरीब व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करने के साधन के रूप में अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक या बांग्लादेशी बैंक 1976 में किया गया था। 1983 में ग्रामीण एक स्वतंत्र बैंक बन गया। ढाका बांग्लादेश में मुख्यालय देश में इसकी 2200 से अधिक शाखाएं हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। 1931 में कांग्रेस कराची अधिवेशन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस सत्र था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया, जिसने कांग्रेस को सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है, तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है 324। क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त एक अर्ध न्यायिक संस्थान है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, यह आपको ध्यान में रखना है। सातवां क्वेश्चन पूछा गया था बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, इसके बारे में जान लेते हैं। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय करजन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिए गए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजी की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग है। अतः इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। आठवां क्वेश्चन पूछा गया था कि फूलों की घाटी ये कहां पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है, जिसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। यह भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभयारण्य नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। हिमालय क्षेत्र पिंडर घाटी अथवा पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है। नवा क्वेश्चन पूछा गया था हमारा आपन बजट किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है झारखंड ने। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल और राज्य के वित्त विभाग द्वारा तैयार एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की आम जनता 2022-23 के बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकती है।
जनता ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से और साथ ही एंड्रॉयड फोन के लिए गूगल प्ले स्टोर से हमार बजट डाउनलोड करके ऐप के माध्यम से सुझाव दे सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गीतांजलि किस भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। आमुख बांग्ला भाषा की गीतांजलि विश्वविख्यात कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर 1861 से 1941 ईस्वी की कालजयी कृति है, जिस पर उन्हें साहित्य के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार प्रदान करने का गौरव उपलब्ध रहा है। ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेगा, भारत सरकार 2024 तक कितने परमाणु रिएक्टर बनाएगा, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देश में 2024 तक 9 परमाणु रिएक्टर होंगे और एक नई परमाणु परियोजना उत्तर भारत में पहली बार दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के गोरखपुर में आएगी। सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया, साल 2024 तक भारत में 9 परमाणु रिएक्टर और 12 नए अतिरिक्त रिएक्टर होंगे, जिन्हें 9000 मेगावाट की क्षमता के साथ कोविड के समय में मंजूरी दी गई थी। 13वां क्वेश्चन पूछा गया था, रोनाल्डो ने कितने गोल किए का कीर्तिमान रचा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। फुटबॉल जगत के महान खिलाड़ियों में शुमार, पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। बुधवार को फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप बी के मुकाबले में उन्होंने मोरक्को के खिलाफ शानदार हेडर के जरिए गोल दागा। रोनाल्डो का यह 152 इंटरनेशनल मैच में 85वां गोल है। रोनाल्डो अब इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उनसे आगे सिर्फ ईरान के अली दई अली ने 149 मैचों में 109 गोल करके सबसे आगे, तीसरे नंबर पर हंगरी के फेरेक पुस्कस 84 गोल का नाम आता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एसबीआई ने किस फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है, तो एसबीआई ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है, इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फुटबॉल के खेल में एसबीआई द्वारा यह अपनी तरह का पहला समझौता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आईएनएससी से संबंधित, यह आपको ध्यान में रखना है, आईएनएससी संबंधित कौन सा गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, हैंसोंग आया था, यह आपको ध्यान में रखना है। हैंसोंग एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय भारत आया, वो यहां गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लाइसोसोम का कार्य क्या, तो लाइसोसोम के बारे में जान लीजिए आप लोग। लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना होता है, इनमें से सबसे पहला कार्य वराह कोशिकाओं का पाचन करना। लाइसोसोम के एंजाइम वराह कोशिका पदार्थ के जल के अपघटन की क्रिया में भाग लेते हैं। 18वां क्वेश्चन पूछा गया था, डिजिटल जो खाद्य संग्रहालय, खाल नहीं होगा, खाद होगा, ये कहां पर खोला गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया, जिसे एफसीआई भारतीय खाद्य निगम द्वारा विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन ले जाती है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त तब फुसफुसीय नस द्वारा हृदय तक ले जाया जाता है, जो बाद में इस रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि शिवराज सिंह चौहान ने जो सौर ऊर्जा जो स्थापित की है, ये कहां पर स्थापित की है, इसके बारे में जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। आगरा, शाजापुर और नीमच में बनने वाले इन 3 सोलर पार्कों के निर्माण में 5,250 करोड़ रुपए लागत आएगी और इनमें 1,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। मनोज जैन, आकाश द्विवेदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आगरा, शाजापुर और नीमच में सोलर पार्कों का शिलान्यास करेंगे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 324 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में नियुक्त होना बताता है। संविधान ने अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी है। एक क्वेश्चन सीए से रिलेटेड पूछा गया था, तो ये हमको नहीं मालूम है कि सीए था या एनआरसी था, तो सीए से संबंधित पूछा गया था। सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टेड अकाउंटेंट। सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है और इस कोर्स में आपको हिसाब किताब के बारे में सिखाया जाता है। भारत में सीए एक प्रतिष्ठित पेशा है। वास्तव में एक सीए का मुख्य कार्य कंपनी के अकाउंटिंग कार्य को मैनेज करना अर्थात हिसाब किताब देखना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संगीत अकादमी ने असम के किस जगह पर सदरिया केंद्र स्थापित किया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जोरहाट संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर पी जी राज मन्नार हैं,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को संसद भवन में इसका उद्घाटन किया था। गैस एक क्वेश्चन आपका रॉकेट प्रणोदन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो रॉकेट प्रणोदन से के बारे में जान लेते हैं। रॉकेट प्रणोदन होता क्या है? प्रणोदक, रॉकेट ईंधन को प्रणोदक कहते हैं। रॉकेट के प्रणोदन में लिए प्रणोदक ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रणोदक वैसे ईंधन है जिसके जलने से अत्यधिक मात्रा में गैसें एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है, तथा इनका दहन बहुत तीव्र गति से होता है एवं दहन के पश्चात कोई अवशेष नहीं बचता है। 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? तो देखिए चार ऑप्शन थे, लेकिन चौथा जो ऑप्शन था वो नहीं था, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, ये तीनों थे, लेकिन जो चौथा ऑप्शन जो आपका होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो इनके बारे में जान लेते हैं। संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करते हुए 26 नवंबर 1949 को भीमराव अम्बेडकर ने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने संविधान निर्माण का श्रेय वी एन राव को भी दिया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर थे। उनके दूसरे सदस्य थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो मद्रास प्रांत के महाधिवक्ता रहे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, महिला मित्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला मित्र सेवा जो है किस बैंक ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है, फेडरल बैंक ने ये लॉन्च की है। इसके बारे में जान लेते हैं। निजी क्षेत्र के ऋणदाता फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए एक सुविधा संपन्न बचत बैंक प्रोडक्ट लॉन्च किया। बचत योजना को महिला मित्र प्लस नाम दिया गया है और यह सुविधाओं का एक क्यूरेटेड सेट प्रदान करता है, जिसे महिलाओं के लिए वित्तीय योजना और निवेश को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। विशेष सुविधाओं में आवास ऋण पर विशेष अधिमान ब्याज दरें, गृह ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क माफी, मानार्थ और अनुकूलित बीमा कवर शामिल है। विशेष सुविधाओं में आवास ऋण पर विशेष अधिमान ब्याज दरें, गृह ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क माफी, मानार्थ और अनुकूलित बीमा कवर शामिल है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष में शुरू हुआ? तो इसके बारे में जान लेते हैं। गंगा एक्शन प्लान जून 1985 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया था। अप्रैल 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई और 20 सालों में इस पर करीब करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस योजना की बदौलत गंगा के किनारे बसे शहरों और कारखानों में गंदे और जहरीले पानी को साफ करने के लिए प्लांट लगाए गए। 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा चीनी यात्री बौद्ध ग्रंथ के समय शिक्षा ग्रहण करने भारत आया था? आंसर हो जाएगा फाइयान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। हैनसोंग ने एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय भारत आया। वो यहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले छात्र फिर शिक्षक के रूप में कार्य किया। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई थी? तो गीतांजलि जो है ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। इसके बारे में जान लेते हैं। गीतांजलि बांग्ला उच्चारण, गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूलतः बाडला में रचित गीतों क्रियात्मक कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि शब्द गीत और अर्जली को मिलाकर बना, इसका अर्थ होता है गीतों का उपहार। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करता है, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्कशन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। देखिएगा जी, आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हमको ज्यादा नहीं मिले हैं, जितने भी क्वेश्चन मिले हैं हमको सेकंड शिफ्ट के, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था कि थियोडोर श्रान और मतिथास स्लाइडर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो ये दिया था कोशिका सिद्धांत, ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 1839 ईस्वी में स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एकाधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सुगत अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है ये केरल राज्य में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। केरल के मालाबार इलाके में रहने वाले मोपला मुसलमानों ने 21 अगस्त 1921 को ब्रिटिश सरकार और उनके सहयोगी हिंदू जमींदारों के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह ने हजारों निर्दोषों की जान ले ली।
अगला क्वेश्चन, 2022 में कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपने संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा ने। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में बुधवार को सानिया मिर्जा को महिला डबल्स के पहले राउंड के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया ने कहा है कि 2022 उनका आखिरी सीजन होगा, यानी इस साल वह आखिरी बार कोर्ट पर दिखेंगी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार अभियुक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है, इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2001 में नेपाल के किस राजा की हत्या की गई थी? आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सिंह विक्रम शाह। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। युवराज दीपेंद्र को कभी होश नहीं आया। 4 जून 2001 की सुबह 3:40 पर उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। लगभग 54 घंटे तक नेपाल पर उस व्यक्ति का राज रहा जो बेहोश था, उस पर अपने पिता की हत्या करने का आरोप था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना के बाद उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जनगणना के बाद गृह मंत्री अध्यक्षता करते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। जनगणना से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे हम लोग। 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। उसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद कराई गई। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई। 1949 के बाद यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई। अंतिम जनगणना 2011 में कराई गई थी, तभी आगामी जनगणना 2021 में कराई जाएगी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृषि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कृषि खेती और वानिकी के माध्यम से खाद्य और अन्य सामान के उत्पादन से संबंधित है। कृषि एक मुख्य विकास था जो सभ्यताओं के उदय का कारण बना। इसमें पालतू जानवरों का पालन किया गया और पौधों फसलों को उगाया गया, जिससे अतिरिक्त खाद्य का उत्पादन हुआ। इसने अधिक घनी आबादी और स्त्रीकृत समाज के विकास को सक्षम बनाया। कृषि का अध्ययन कृषि विज्ञान के रूप में जाना जाता है तथा इसी से संबंधित विषय बागवानी का अध्ययन बागवानी हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 20 सितंबर 1388 ईस्वी को हुई थी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 को हुआ था और उसका शासन 1351 से 1388 तक रहा। उसने अपने शासन काल में चांदी के सिक्के चलाए। वह मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपे सालार रजब का पुत्र था। उसकी मां नैला दीवालपुर के भाटी राजपूत शासक राणा मल की पुत्री थी। फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी प्रेम महल की स्थापना अपनी सबसे प्रिय गुजरी प्रेमिका स्वामिनी के लिए किया था। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1351 को फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में 1 अगस्त 1351 में हुआ। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्जे माफ कर दिए, जिसमें शोधन ऋण भी शामिल था जो मोहम्मद तुगलक के समय किसानों को दिया गया था। फिरोज शाह कट्टा सुन्नी धर्मांध मुस्लिम था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में भारत में कितने राज्य में चुनाव होने वाले हैं? आंसर हो जाएगा 5 राज्यों में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग ईसी की काफी आलोचना हुई। कोर्ट ने भी सुनाया, ऐसे में बाद के कई चुनावों को आयोग ने टाल दिया। अब मुख्य चुनाव आयोग ने अगले साल होने वाले यूपी समेत 5 विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बात कही है।